जन्माष्टमी के शुभ दिन पर मैं सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताल की बड़ा। तो ताल की माड़ी मम्मी ने पहले निकाल ली, उसके ऊपर दे रहा है मैदा, फिर दे रहा है गुड़, आँख की गुड़ जो बोलते हैं वही स्वीट के लिए, क्योंकि इसमें शुगर अच्छा नहीं रहता। और इधर है सौंफ व मौड़ी जो बोलते हैं, मौड़ी इसके ऊपर। तो सौंफ देने के बाद अच्छी तरह से मिलाना होगा, हर चीज़ देने के बाद अच्छी तरह से मिला के इसका जो कलर है पूरा येलो हो जाएगा, क्योंकि बेस जो ताल है उसका कलर ही आएगा। अब हम देंगे किशमिश, ये थोड़ा सा ही दीजिए, ज़्यादा देने से किशमिश जल्दी जल जाता है और तेल भी ख़राब हो जाता है और ब्लैक ब्लैक हो जाता है जो ताल के ऊपर। अब देंगे हम लोग अमूल का जो पाउडर मिल्क होता है वो, छोटा सा 10 रुपये का एक पैकेट ही इनफ है, क्योंकि ज़्यादा नहीं देना होता है इसमें। तो अमूल का मिल्क देने के बाद भी हम लोग मिलाएंगे। आप डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है मावा। ये खोआ और मावा आप देंगे तो इसका टेस्ट ही अलग हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। और कृष्ण भगवान का तो मावा फेवरेट है, तो इसमें मावा जाता ही जाता है। तो मावा देने के बाद भी आप अच्छे तरह से मिलाएं, मिलाना ही इसका मेन मतलब ये है, अच्छा होने का जो सीक्रेट है वो मिलाना। अब हम लोग देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्योंकि हर चीज़ मीठा में थोड़ा सा ब्लैक पेपर देने में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। फिर सरसों का तेल में डीप फ्राई, तो ताल की बड़ा फुलौरी के बाद अभी मैं बना रही हूँ श्री कृष्ण भगवान की और एक फेवरेट डिश, वो है मावा की लड्डू। ये आप सबको पता है कि कृष्ण भगवान को माखन चोर भी कहा जाता था, तो ये भी रेडी हो गया है।